हाय दोस्तों, माय नेम इज संदीप कुमार। हमारे आप लोग को यूट्यूब चैनल संदीप नर्सा में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम आप सभी लोग को बताएंगे हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 9/5c + 32। और अगर हम इसमें अगर मान लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हमें 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो हम यहाँ पे f इक्वल टू 9/5 × 40 + 32 फील करेंगे। f इक्वल टू 5 8 8 से कट जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 9 8 72 + 32, और हमें यहाँ पे मिल जाएगा f इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए हम फिर से आप लोग बताते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है कि ये फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू 9/5c + 32 होता है। अगर जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं कि अगर हमें 40 डिग्री सेल्सियस को अगर हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो हम यहाँ पे c की जगह पे यहाँ 40 मान रख देंगे, 9/5 रहेगा प्लस 32। फिर हम उसके बाद देखेंगे यहाँ से 5 से हम 40 को कट कर देंगे 8 बार में। फिर उसके बाद हम यहाँ से 9 × 8 करेंगे 72 + 32 को जोड़ देंगे, तो हमें फ़ारेनहाइट कितना मिल जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसा कि हम देख लिए कि हमारा फ़ारेनहाइट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया है। अब हम इसको यहाँ पे देखेंगे कि अब हम इसको चेक करेंगे कि अब हम हमारा 40 डिग्री सेल्सियस जो लगाए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आया है, उसको चेक करेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। तब अब हम इसको डिग्री सेल्सियस में हम इसको निकाल के हम देखते हैं। जब हम इसको जब हम डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू यहाँ पे 5/9 × f − 32 यहाँ पे हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 104 डिग्री जो हमारा फ़ारेनहाइट आया है, अब हम इसको यहाँ पे फ़ारेनहाइट में लिख कर देखेंगे कि हमारा 40 डिग्री सेल्सियस आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 × f का मान यहाँ पे 104 डिग्री रखेंगे और −32 करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 × कर देंगे, अगर हम 104 में से 32 घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 72 आएगा, 72 लिख देंगे यहाँ पे। और c इक्वल टू 9 से करेंगे, 8 बार में जाएगा, 9 8 72 और 8 5 40 डिग्री सेल्सियस हमारा उत्तर आ जाएगा। आप लोग को यहाँ पे मैंने बताया कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस कैसे बदलते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। अब हम मिलेंगे आप लोग को अगले वीडियो में। थैंक यू।